रॉकी ने रिवील किया बड़ा प्लान। क्या है रॉकी का बिगेस्ट प्लान? क्यों कहते थे रॉकी के दुश्मन रॉकी को मछली? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पर वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। अगर आपने KGF चैप्टर 2 देखी होगी तो आपको पता होगा कि विजेंद्र इंगलांगी कहते हैं कि रॉकी अपने बड़े प्लान को अंजाम देने जा रहा है। पर वो बड़ा प्लान क्या है ये हमें KGF चैप्टर 2 में दिखाया ही नहीं, क्योंकि जब विजेंद्र इंगलांगी ये लाइन कहते हैं उसके बाद रॉकी प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन से मिलते हैं और फिर अधीरा से फाइट करता है और गुरु पांड्यान को मारकर खुद का पता बता देता है। तो वो बड़ा प्लान क्या सारे सोने को इकट्ठा करने का है या फिर समंदर में जाने पर या फिर उसे डुबा देने का? लेकिन ये कोई बड़ा प्लान नहीं हो सकता, क्योंकि इससे रॉकी को क्या मिलेगा? साथ ही वो मर भी जाएगा। हाँ, लेकिन ये बड़ा प्लान का हिस्सा जरूर हो सकता है, क्योंकि हमारे विजेंद्र इंगलांगी को ये भी कहते सुना था कि तब रॉकी के पास बहुत सोना था और उस बहुत सारे सोने को छुपाने के लिए एक ही जगह थी जहां रॉकी जा रहा था। मतलब रॉकी कहां जा रहा था? उस सोने को छुपाने नेवी के पास, वो भी 3 देश की। ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा किया तो सोना भी जाएगा और जान भी जाएगी, और आप सबको पता ही है कि रॉकी ना ही अपना सोना जाने देगा और ना ही ऐसे अपनी जान जाने देगा। क्योंकि देखो, सिर्फ एक 400 ग्राम के सोने के लिए रॉकी ने पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया, और ये तो इतना सारा सोना है जिसे वो 2 साल से मेहनत करवा करवा के निकलवा रहा है। तो वो ऐसा कैसे सोने को बिना प्लान के पानी में डुबो देगा? और यार, रही बात जान की, तो आप सबको पता ही है कि रॉकी कैसा है। वो एक मॉन्स्टर है। रॉकी लड़कर खून में लथपथ होकर मरना पसंद करेगा, लेकिन कभी भी ऐसे आ बैल मुझे मार टाइप कभी नहीं मरेगा। तो रॉकी वहां क्यों गया और इंडिया, US और इंडोनेशिया की नेवी को वहां क्यों बुलाया? उसे अगर सरेंडर ही करना था तो वो क्यों नहीं रुका, आगे बढ़ता रहा और उन्हें अपने ऊपर अटैक करने पर मजबूर कर दिया? और अगर सरेंडर ना करके रॉकी उन्हीं के हाथों मरना चाहता था तो वो सारा सोना लेकर अपने साथ क्यों गया? तो देखो, रॉकी सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी भी है। इसीलिए वो हमेशा सबसे एक कदम आगे ही रहता है। वो जो भी करता है उसके पीछे एक मकसद होता है। इसलिए ऐसा लगता है कि इंडियन नेवी, US नेवी और इंडोनेशियन नेवी को बुलाकर उसके सामने वो अपने फेक डेथ का नाटक कर रहा है, ताकि उन 16 मुल्कों के साथ साथ दुनिया वालों को भी पता चल जाए कि रॉकी मर चुका है, और फिर मरे हुए आदमी को कौन ढूंढेगा? ऐसे में रॉकी आजाद हो जाएगा और हो सकता है कि यही फेक डेथ उसका बड़ा प्लान हो। और हाँ, रॉकी ये भी दिखाना चाहता है कि उसके साथ साथ उसका सारा सोना भी पानी में डूब चुका है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रॉकी छुप रहा है। नहीं भाई, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। आपने देखा ना कैसे रमिका सेन के पास खुद पहुंचकर खुद की कंप्लेंट कर रहा था, तो वो क्यों छुपेगा? वो तो बस 2 कदम पीछे ले रहा है कोई बड़ा गेम खेलने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे अधीरा को मारने के लिए 2 कदम पीछे लिया था और इनायत खलील से हथियार खरीद लिया था। चलो, रॉकी बच जाएगा ये तो पता है, लेकिन उसे बचाएगा कौन? इनायत खलील जिंदा है, पर वो उसे बचाएगा नहीं, क्योंकि रॉकी को मारने के लिए उसी ने अधीरा को हथियार दिए थे, तो इनायत खलील तो नहीं। तो फिर कौन? फरमान हो सकता है? हो सकता है कि वो जिंदा हो और आगे चलकर सालार भी बने, लेकिन ये भी एक थ्योरी ही है। और कुछ फैंस का तो ये भी कहना है कि जिमी कार्टर समरी लेकर रॉकी को बचाएगा, पर ये भी एक थ्योरी ही है। लेकिन ये कंफर्म है कि रॉकी मरेगा नहीं, क्योंकि रॉकी को हमेशा ही मछली कहा गया है और मछली पानी में मरती नहीं है। मछली वाली बात थोड़ी ऊपर से गई, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, समझाता हूं। देखो, KGF चैप्टर 1 में गुरु पांड्यान ने कहा था, हाथ में मछली लेकर मगरमच्छ पकड़ना चाहते हो, मगर मगरमच्छ को मछली नहीं हाथ स्वादिष्ट लगता है। मतलब ये कि गुरु पांडे का कहना है कि मछली यानी रॉकी को हाथ में लेकर मगरमच्छ यानी गरुड़ा को पकड़ना चाह रहा है, लेकिन मगरमच्छ को मछली नहीं हाथ पसंद है। मतलब गरुड़ा को रॉकी नहीं बल्कि एंड्रयू जैसे गद्दारों को मारने में इंटरेस्ट है। चलो, यहाँ पर एक बार रॉकी को मछली कहा गया, फिर KGF चैप्टर 2 में रीना को लेकर रॉकी को फसाया जाता है। तब वहाँ एंड्रयू कहता है कि मछली को हमेशा लगता है कि वो केंचुए का शिकार कर रही है। उसके काटने पर पता चलता है कि वो एक बंसी है
और बंसी किसके हाथ में है ये जानते हो ना, बचना नामुमकिन है। तो यहाँ रॉकी को मछली, गुंडो को बंसी और अधीरा को बंसी पकड़ने वाला कहा गया है। और इसके बाद जब रॉकी अपने प्लान में अधीरा को फंसा लेता है तब वो कहता है कि आजकल मछली बंसी डालने वालों को ही निगल रही है, मतलब रॉकी ने अधीरा का गेम बजा दिया। कैसे दोनों पार्ट्स में रॉकी को मछली कहा गया है और क्यों? क्योंकि वो छोटे से लेकर बड़े होने तक समंदर को देखते आ रहा है। लेकिन नहीं, उसे मछली इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मछली की तरह इस समंदर से निकल जाएगा। तो ये था रॉकी का प्लान, वो अपनी मौत का झूठा नाटक करेगा, पानी के अंदर ही शायद सबमरीन से निकल जाएगा और फिर अपना खेल खेलेगा, ऐसा हमें लगता है। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए बॉलीग्रैड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपसे मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।